शहर के वार्ड संख्या 33 के एक आवासीय मकान का एक निजी मोबाइल कंपनी का मोबाइल टावर लगाने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। मोबाइल टावर का विरोध कर रहे क्षेत्रवासियों ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में मोबाइल टावर लगने तथा उसके बाद उससे निकलने वाली विकिरणों का प्रभाव बुजुर्गों तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, अतः आवासीय क्षेत्र में लगने वाले मोबाइल टावर पर रोक लगाई जावे। क्षेत्रवासियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद दशरथ कुमार ने भी इसका विरोध करते हुए प्रशासन से आवासीय क्षेत्र में मोबाइल टावर पर रोक लगाने की मांग की है। इस संदर्भ में क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को भी एक ज्ञापन दिया है। मोबाइल टावर का विरोध प्रदर्शन करने वालों में पार्षद दिनेश कुमार बैरवा, ब्रजराज बोहरा, रतन लाल, शिवलाल, जगदीश प्रसाद, टीकम चंद पुखराज, जमुना देवी, हेमंत कुमार, आशा देवी तथा चिराग सहित अन्य शामिल थे। उनके मकान के रूप में मकान के ऊपर एक एयरटेल कंपनी के द्वारा टावर का निर्माण किया जा रहा है, तो वार्डवासियों के फोन के द्वारा मुझे सूचना मिली। आज सुबह ही मैं आया यहाँ पे, काफी चार पांच जनों ने फोन किया, वैसा भी ये चीज हमारे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और कई ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे को आगे जाकर के परेशानी देगी, और वास्तव में ये चीज सही है। पहाड़ के अंदर इस चीज का निर्माण उचित नहीं है, तो जिस भी कार्यालय ने इस चीज की परमिशन दी है, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि वार्ड के अंदर खुली जगहों में लगाओ, मैं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां पब्लिक रहती है, पब्लिक के बीच में इस चीज का होना उचित नहीं है। विजय ठेकेदार जो अपने मकान के ऊपर एयरटेल का टावर लगा रहा है, उसका हम सब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसकी किरणों का हमारे बच्चों पे, बूढ़ों पे, सभी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, और बच्चों की बुद्धि के ऊपर और तीव्रता के ऊपर भयंकर खतरा आएगा, और बूढ़े आदमियों के ऊपर विशेष तौर से हम जैसे 72-75 के हैं उनके ऊपर विशेष दबाव पड़ेगा। आज का विरोध कर रहा है, और आपसे निवेदन है सारे पत्रकार महोदय और सारों अपने मीडिया प्रभारियों से कि हमारी इस आवाज को बुलंद करें, और आप इस आवाज को उठाकर इसका निस्तारण करें और इसको निरस्त कराएं।